اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى آله يجمعين. ऑनलाइन दरस हदीस की चौथी क्लास पेश खद है आज की इस क्लास में बुखारी व मुस्लिम में वारद एक हदीस जिसमें तीन अफराद का गार में बंद होने पर अपने एक एक नेक अमल का वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ करने और गार के मुंह के खुलने का वाकया मस्कूर है। हदीस तवील है उसका पहले तर्जमा पेश किया जाएगा और फिर वसीले की शरा हैसियत पर तफसीली बहस हदीस की रोशनी में की जाएगी और इस हदीस में जो तीन अमाल को बुनियाद बनाकर जिनके वसीले से दुआ मांगी गई उनका इख्तिसार के साथ जिक्र किया जाएगा आइए ऑनलाइन दरसे हदीस की चौथी क्लास शुरू करते हैं खातिनो हजरात सही बुखारी व सही मुस्लिम में एक तवील हदीस है जिसका तर्जुमा भी आपके सामने पेश किया जाएगा जिसमें तीन अफराद का एक गार में बंद होने पर अपने अपने एक एक नेक अमल का वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ करना मजकूर है आइए सबसे पहले उस हदीस का तर्जुमा हम पढ़ते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआलाह हुमा से रिवायत है कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुमसे पहली उम्मत के तीन आदमी सफर कर रहे थे रात गुजारने के लिए में दाखिल हुए पहाड़ से पत्थर ने लुढ़क कर बंद कर दिया उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि इस पत्थर से एक ही सूरत में निजात मिल सकती है कि तुम अपने नेक अमाल के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं चुनाचे उनमें से एक शख्स ने कहा अल्लाह, मेरे वालदेन बहुत बूढ़े थे मैं उनसे पहले किसी को दूध ना पिलाता था एक दिन लकड़ी की तलाश में मैं बहुत दूर निकल गया जब शाम को वापस लौटा तो वो दोनों सो चुके थे मैंने उनके लिए दूध निकाला और उनकी खिदमत में ले आया मैंने उनको सोया हुआ पाया मैंने उनको जगाना नापसंद समझा और उनसे पहले अहलो आयाल व खुदाम को दूध देना भी पसंद ना किया मैं पियाला हाथ में लिए उनके जागने के इंतजार में तुलुए फजर तक ठहरा रहा हालांकि बच्चे मेरे कदमों में फूक से बिलबिलाते थे इसी हालत में फजर तुलु हो गई वो दोनों बेदार हुए और अपने शाम के हिस्से वाला दूध नोश फरमाया अल्लाह अगर ये काम मैंने तेरी रदामंदी की खातिर किया तो तू इस चटान वाली मुसीबत से निजात फरमा चुनाचे चटान थोड़ी सी अपनी जगह से सरक गई मगर अभी गार से निकलना मुमकिन न था दूसरे शख्स ने कहा ए मेरी एक चचाजाद बहन थी वो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी मैंने उससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने का इजहार किया मगर वो इस पर आमादा न हुई यहाँ तक के कहत साली का एक साल पेश आया जिसमें वो मेरे पास आई मैंने उसको 120 दीनार इस शर्त पर दिए कि वो अपने नफ्स पर मुझे काबू देगी उसने आमादगी जाहिर की और काबू दिया जब मैं उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया तो उसने कहा तू अल्लाह से डर तू अल्लाह से डर और इस मेहर को नाहक व नाजाइस नाजाइज तौर पर, ना पर मतोड़ चुनाचे मैं इस फेल से बाज आ गया हालांकि मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी और वो और मैंने वो एक सौ बीस दिनार उसको हिबा कर दिए या अल्लाह अगर मैंने ये काम खालिश तेरी रजाजुई के लिए किया किया था था यानी तेरे खौफ की वजह से किया था, तो हमें इस मुसीबत से निजात इनायत फरमा जिसमें हम मुब्तला है चुनाचे चट्टान कुछ और सरक गई मगर अभी तक उससे निकलना मुमकिन ना था तीसरे शख्स ने कहा, या अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर उजरत पर लगाए, उन तमाम को मजदूरी दे दी, मगर एक आदमी उनमें से अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया मैंने उसकी मजदूरी कारोबार में लगा दी यहां तक के बहुत ज्यादा माल उससे जमा हो गया एक अरसे के बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा ए अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी मुझे इनायत कर दो मैंने कहा, तुम अपने सामने जितने ऊट गाय और गुलाम देख रहे हो यह तमाम तेरी मजदूरी है उस शख्स ने कहा ए अल्लाह के बंदे मेरा मजाक मत उड़ा मैंने कहा मैं तेरे साथ मजाक नहीं करता चुनाचे वो सारा मार ले गया और उसमें से जर्रा बराबर भी नहीं छोड़ा ए अल्लाह अगर मैंने ये तेरी रदामी के लिए किया तो तू इस मुसीबत से जिसमें हम मुब्तला हमें निजात आता फरमा फिर क्या था चटान हट गई और तीनों बाहर निकल गए ये तवील हदीस बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है हदीस की दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद है पूरी उम्मत मुसलिमा की इतफाक है कि ये वाक हमारे नबी पाक पाकसलम ने अल्लाह के हुक्म से सुनाया इस हदीस को हम दोबारा से पढ़ लें ताकि वाकया अच्छी तरह से हमारे दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाए जरत अब्दुल्ला इबन उमर उमर फारूक के साहबजादे हजरत हैं, बड़े जलील है। उम्र के एतबार से छोटे थे लेकिन इल और तकबे में इनका बुलंद मकाम था हजरत अब्दुल्ला इबन उमर रज तुम फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सलाहसलम को फरमाते हुए सुना क्या नबी पाक सलाम ने फरमाया तुम से पहली उम्मत के तीन आदमी सफर कर रहे थे रात गुजारने के लिए एक गार में दाखिल हुए पहाड़ से एक पत्थर ने लुढ़क कर गार के मुंह को बंद कर दिया इन तीनों अशखास ने आपस में एक दूसरे से कहा कि इस पत्थर से एक ही सूरत में निजात मिल सकती है कि तुम अपने नेक आमाल के वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो चुनाचे उनमें से एक शख्स ने कहा ए अल्लाह मेरे वाले देन बहुत बूढ़े थे मैं उनसे पहले किसी को दूध ना पिलाता था यानी अपने बच्चों को अपने घर वालों को दूध नहीं पिलाता था पहले को पिलाता था उसके बाद अपने बच्चों को रहलिया को घर वालों को पिलाता था एक दिन लकड़ी की तलाश में मैं बहुत दूर निकल गया जब शाम को वापस लौटा तो वो दोनों यानी वालेन सो चुके थे मैंने उनके लिए दूध निकाला और उनकी खिदमत में ले आया मैंने उनको सोया हुआ पाया मैंने उनको जगाना नापसंद समझा और उनसे पहले अपने अहलो खुदाम को दूध देना भी पसंद ना किया मैं प्याला हाथ में लिए उनके जागने के इंतजार में तुलुए फजर तक ठहरा रहा हालांकि बच्चे मेरे कदमों में भूख से बिलबिलाते थे इसी हालत में फजर तुलू हो गई वो दोनों यानी वाल बेदार हुए और अपने शाम के हिस्से वाला दूध किया अब ये शख्स अपने इस अमल के वसीले से दुआ मांगता है ए अल्लाह बुखारी मुस्लिम की रिवायत है पूरी उम्मत मुसलिमा इसके सेहत पर इतफाक रखती है ए अल्लाह अगर यह काम मैंने तेरी की खातिर किया तो तू इस चटान वाली मुसीबत से निजात इनायत फरमा। चुनाचे च, च, चटान थोड़ी सी अपनी जगह से सरक गई मगर अभी गार से निकलना मुमकिन ना था दूसरे शख्स ने कहा अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी वो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी मैंने उससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने का इजहार किया मगर वो इस पर आमादा न हुई यहाँ तक के कहद साली का एक साल पेश आया जिसमें वो मेरे पास आई मैंने उसको 120 दीनार इस शर्त पर दिए कि वो अपने नफ्स पर मुझे काबू देगी उसने आमादगी जाहिर की और काबू दिया जब मैं उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया तो उस औरत ने बहन ने कहा तू अल्लाह से डर तू अल्लाह से डर और इस मेहर को नाजायज ना तौर पर मत तोड़ चुनाचे मैं इस फेल से बाज आ गया हालांकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी और मैंने वो 120 दिनार दीनार भी उसको हिबा कर दिए अब ये शख्स अपने इस नेक अमल जो अल्लाह के खौफ की वजह से उसने किया यानी एक बुराई से बचा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से इस अमल के वसीले से दुआ मांगता है या अल्लाह, अगर मैंने ये काम खालिश तेरी रदा जोई के लिए किया था सिर्फ तेरे खौफ की वजह से किया था तो तू हमें इस मुसीबत से निजात इनायत फर्मा जिसमें हम मुबला हैं चुनाचे चटान कुछ और सरक गई मगर अभी तक उससे निकलना मुमकिन न था तीसरे शख्स ने कहा या अल्लाह मैंने कुछ मजदूर उजरत पर लगाए और उन तमाम को मजदूरी दे दी मगर एक आदमी उनमें से अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया मैंने उस शख्स की मजदूरी कारोबार में लगा दी यहाँ तक के बहुत ज्यादा माल उससे जमा हो गया एक अरसे के बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा ए अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी मुझे इनायत कर दो मैंने कहा तुम अपने सामने जितने ऊंट गाय बकरियां और गुलाम देख रहे हो ये तमाम तेरी मजदूरी है उस शख्स ने कहा ए अल्लाह के बंदे मेरा मजाक मत उड़ा मैंने कहा मैं तेरे साथ मजाक नहीं करता चुनाचे वो शख्स सारा माल ले गया यानी सारे ऊंट गाय बकरियां और गुलाम ले गया और उसमें से जरा बराबर भी नहीं छोड़ा अब ये शख्स अपने एक नेक अमल का वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ करता है ए अल्लाह अगर मैंने ये तेरी रजामंदी के लिए किया तो तू इस मुसीबत से जिसमें हम मुब्तला हैं हमें निजात अता फरमा फिर क्या था चटान हट गई और तीनों बाहर निकल गए। वसीला मस्कुरा हदीस में नेक आमल के वसीले से दुआ मांगी गई हजरत वसीले का मतलब है कि किसी मकबूल आमल या मुकर्र बंदे मसलन हजूर अक्रमला का वास्ता पेश करके अल्लाह ताला से दुआ मांगना यानी इस बात का पूरा यकीन और ईमान के देने वाली बख्शने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है और कोई नेक बंदा के नबी या रसूल भी खुदाई में शरीक नहीं हो सकता है लेकिन अपनी आजी व इंकिसारी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला की हमदो सना और नबी पाकलम पर दरूद भेजने के बाद अपने किसी मकबूल अमल या अक्रम्लम का वास्ता पेश करके अल्लाह ताला से कोई दुआ करना वसीला कहलाता है वसीले की खुतिनों वसीले की अमूमन तीन किस्में जिक्र की जाती हैं नंबर एक अल्लाह ताला के नाम और सिफात के जरिए अल्लाह ताला से अपनी जरूरत मांगना जैसा के फरमान इलाही है वल्ला और असमायसन यानी अच्छे अच्छे नाम अल्लाही के हैं इन नामों के जरिए यानी अल्लाह की और तहमीद और तकबीर यानी जिक्र इलाही के जरिए उससे दुआएं मांगो दूसरी किस्म वसीले की अपने किसी मकबूल अमल नमाज रोजा हज ज़िक्र और तिलात कुरान को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगना जैसे कि बुखारी मुस्लिम में मजकूर बहस हदीस में मौजूद से ज़िक्र किया गया तीसरी किस्म वसीले की किसी मुकर्रब बंदे मसलन क्यामत तक आने वाले इन नबी व रसूल के वसीले से अल्लाह त दुआए मांगना के जवास पर, यानि की सिफास करके दुआएं मांगना और अपने मकबूल नेक आमल के वसीले से दुआएं मांगना पहली दोनों शक्लों के जवाब पर पूरी उम्मत मुसलिमा का इतफाफ है लेकिन तीसरी शक्ल के मुतालिक उलमा इकराम का इख्तलाफ है की एक जमात ने तीसरी किस्म को शिर करार देकर उसके आदम जवास का फतवा जारी किया जबकि की दूसरी जमात ने मसले मजकूरा को यानी तवसुल बिन नबीम को कुरानो हदीस से मुदल करके उसके जवास का फतवा दिया तहकी बात यही है कि तवसुल बिन नबी सला को यानी नबी पाक के वसीले से दुआ मांगने को शिर करार देना सही नहीं है क्योंकि नबी पाकसम के वसीले के जरिए दुआ मांगने में अल्लाह ताला ही से दुआ मांगी जाती है अक्रमला के वसीले से दुआ मांगने वाला सिर्फ ये यकीन रखता है कि इसके जरिए यानी नबी पाक के वसीले के जरिए दुआ मांगने से उसकी दुआ बार इलाही में शर्फ कबूलियत पाने का इम्कान बढ़ जाता है हाँ ये बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआओं की कबूलियत के लिए वसीला शर्त नहीं है मगर मुफीद और कारगर जरूर है की दूसरी जमात ने नबी के वसीरे से दुआ करने के जवाब के लिए हदीसें पेशे खदमत है सही बुखारी की हदीस है मालिक रजी अल्लाह से रिवायत है जब कभी कहत पड़ता

अब हम अपने नबी के चचा को वसीला बनाते हैं आप बारिश बरसाइए हजरत फरमाते हैं कि खूब हो बारिश होती यह हदीस है बुखारी शरीफ की दोबारा समाज फरमा ले हजरत अनस रजी अल्लाह तु से रिवायत है कि जब कभी कहत पड़ता तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह हजरत अब्बास मुतनब रजी अल्लाह के वसीरे से वसीला बनाते थे थे. और की बरकत से आप अल्लाह तारिश बरसाते थे अब हम अपने नबी के चचा को वसीला बनाते हैं आप बारिश बरसाइए हजरत अनस फरमाते हैं खूब बारिश बरसती दूसरी रिवायत भी बुखारी और मुस्लिम की हैजूर अक्रम के जमाने में एक बार कहत पड़ा खुतबा दे रहे थे एक दिहाती ने कहा या रसूल माल तबाह हो गया दानों को तरस गए आप हमारे लिए अल्लाह तुआ फरमाए नबी खुतबा दे रहे हैं और ये दिहाती खड़ा होकर अल्लाह के नबी से कह रहा है ए अल्लाह के रसूल माल तबाह हो गया अहलो आयाल दानों को तरस गए आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं हालांकि वो शख्स भी दुआ कर सकता था लेकिन उस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मंगवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान हाथ उठाए उस वक्त बादल का टुकड़ा भी आसमान पर नजर नहीं आ रहा था उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है अभी आपने हाथों को नीचे भी नहीं किया था कि पहाड़ों की तरह घटा उमड़ आई और अभी आप सलाम मिम्बर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आप सलाम की दाढ़ी मुबारक से टपक रहा था अल्लाह अकबर उस दिन उसके बाद और फिर मुतवातिर आइंदा जुमा तक बारिश होती रही दूसरे जुमा को यही देहाती फिर खड़ा हुआ और अर्ज किया या रसूल अल्लाह इमारतें मुनहदिम हो गई मकान मुनहदिम हो गए और मालो असबाब डूब गए आप हमारे लिए दुआ कीजिए आप ने खुतबे के दौरान हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह अब अब दूसरी तरफ बारिश और हमसे आगे आप हाथ से बादल के जिस तरफ भी इशारा करते उधर मतला साफ हो जाता शरीफ की रिवायत है मालूम हुआ मुसीबत के वक्त खुदूर का वसीला इख्तियार क्या करते थे की पहली जमात ने जवाब दिया है, के इस के वसीले का है इस पर दूसरी जमात ने जवाब दिया कि और हदीस में किसी भी जगह ये मजकूर नहीं है कि जिंदों के वसीले से दुआ मांगी जा सकती है

इस इख्लाफ को झगड़ा ना बनाया जाए के, के वसीले से दुआ मांगते रहें। और अदमे के आप के वसीले से दुआ ना मांगे इसी तरह से उम्मत मुसलिमा में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो सकता है जिसकी जमाने में सख्त जरूरत है खातिन मौजूद बेहद हदीस में तीन अमाल के वसीले से दुआ मांगी गई नंबर एक वाले की खिदमत नंबर दो अल्लाह के खौफ की वजह से जिना से बचना नंबर तीन इबाद की कबा हक कहू अदायगी और मामला में सफाई नंबर एक वाले की खिदमत कुरान और हदीस में वाले के साथ उसने सलूक करने की खसूसी ताकीद की गई अल्लाह ने मकामात पर अपनी तोहीद और इबादत का हुक्म देने के साथ वालदेन के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है जिससे वालदेन की उनकी खिदमत और उनके अदब एहतराम की अहमियत वाज हो जाती है अहादी से मुबारक में भी वालदेन की फरमा बरदारी की खास अहमियत व ताकि और उसकी फजीलत बयान की गई है अल्लाह तब को

किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे उफ़ तक ना कहना न उन्हें डांट डपट करना बल्कि उनके साथ अदब अदबोराम से बातचीत करना और आजजी व मोहब्बत के साथ उनके सामने तोजों का बास पुस्त रखना और दुआ करते रहना कि ए मेरे परिगार इन पर, देन पर वैसा ही रहम कर जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की हजरत नबी पाकम से दरियाफ्त किया को कौन सा अमर ज्यादा महबूब है आप सलाम ने इशात फरमाया नमाज को उसके वक्त पर अदा करना हजरत अब्दुल्लाबन मसूद फरमाते हैं

मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तक कौन है आप ने नेत फरमाया तुम्हारी माँ उस शख्स ने पूछा फिर कौन आप सरासम ने शाद फरमाया तुम्हारी माँ उस शख्स ने पूछा फिर कौन आप ने नेत फरमाया तुम्हारी माँ उसने पूछा फिर कौन आप सरासलम ने शाद फरमाया तुम्हारा बाप अक्रम सरासलम ने इशात फरमाया बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है चुनाचे तुम्हें इख्तियार है उसकी नाफरमानी करके और दिल दुखे को जय करो यादारी राजी रख कर उस दरवाजे की हिफाजत करो हजूर अक्रमला नेत फरमाया अल्लाह तला की रजामंदी वाल की रजामंदी में है और अल्लाह ताला की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को यह पसंद हो कि उसकी उम्र दराज की जाए बगौर समाज फरमाए हर शख्स इसका तालिब है जिस शख्स को यह पसंद हो कि उसकी उम्र दराज की जाए उसके रिस्क को बढ़ा दिया जाए उसको चाहिए कि अपने वालदेन के साथ अच्छा सलूक करें और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया

या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए फिर उनकी खिदमत के जरिए जन्नत में दाखिल ना हो शर्मगाह की हिफाजत अल्लाह ताला ने जिनसी ख़्वाहिश की तकमील का एक जायज तरीका यानी निकाह मशरू किया है सूरहुल मुमिनीन की ابتدائی आयत में इंसान की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने ये एक शर्त ये भी रखी है कि हम जायज तरीके के अलावा अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें इन आयत के अख्ताम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मियां का एक दूसरे से شہوت नफ्स को तस्कीन देना काबिल-ए-मलामत नहीं बल्कि इंसान की जरूरत है लेकिन जायज तरीके के अलावा कोई भी सूरत शहवत पूरी करने की जायज नहीं है जैसे कि अल्लाह ताला ने तरशाद फरमाया जायज़ तरीके के अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना चाहें तो ऐसे लोग हज से गुजरे हुए हैं अल्लाह ताला ने जिना के करीब भी जाने को मना फरमाया नबी पाकलम ने इर्शाद फरमाया आंख भी जिना करती है और उसका जीना नजर है आज रोजमर्रा की जिंदगी में मर्द औरत का कसरत से अख्तिलात मखलू, तालीम, बेपर्दगी टीवी और इंटरनेट पर फहाशी और यानी की वजह से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम खुद भी जिना और जिना और के लवाजिमात से बचें और अपने बच्चों, बच्चियों घर वालों की हर वक्त निगरानी रखें क्योंकि इस्लाम ने इंसान को जिना के अस्बाब से भी दूर रहने की तालीम दी है जीना के वकू होने के बाद उस पर हंगामा जलसों जुलूस व मुजाहरों के बजाय जरूरत इस बात की है कि इस्लामी तालीमत के मुताबिक हतल इम्कान गैर महरम मर्द औरत के अख्तिलात से ही बचा जाए आखिरी आखिरी अमल हुकूकुल इबाद की अदायगी और मामलात में सफाई हमें हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम जानते हो कि मुफ्लिस कौन है सहाबा ने अर्ज किया हमारे नजदीक मुफ्लिस वो शख्स है जिसके पास कोई पैसा और दुनिया का सामान ना हो आप सलाम ने इशाद फरमाया मेरी उम्मत का मुफ वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज रोजा जक़ात और दूसरी मकबूल इबादतें लेकर आएगा मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी किसी पर तोहमत लगाई होगी किसी का माल खाया होगा किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा पीटा होगा तो उसकी नेकियों में से एक हक वाले को उसके हक के नेकियां दी जाएंगी ऐसे ही दूसरे हक वाले को उसकी नेकियों में से उसके हक के नेकियां दी जाएंगी फिर अगर दूसरों के चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उन हुकूक के बकद्र हकदारों और मजलूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए हुए होंगे इनसे लेकर इस शख्स पे डाल दिए जाएंगे और फिर इस शख्स को दो में फेंक दिया जाएगा इसी तरह नबी पाक ने शाद फरमाया शहीद के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं मगर किसी शख्स का कर्जा यानी अगर किसी शख्स का कोई कर्जा किसी के जिम्मे है तो जब तक अदा नहीं कर दिया जाए वो जिम्मे में बाकी रहेगा वह कितना ही बड़ा नेक अमल कर लिया जाए मशहूर मुहदस हजरत इमाम नबी रहमत इस हदीस की शराह में लिखते हैं कर्ज मुराद तमाम हकूकुल इबाद हैं यानी अल्लाह के रास्ते में शहीद होने से तो सब माफ हो जाते हैं लेकिन त्यादा है। है हक रखता है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन होकर ने शायद फरमाया कि दो आंखों को कभी भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो और दूसरी वो आग जो अल्लाह के रास्ते में वक्त करीब था आपने पूछा की तुम अपने रब को कैसा पाते हो उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे उम्मीद भी है और गुनाहों की वजह से डरता भी हूँ हजूर ने फरमाया कि इस मकाम पर जब भी दो बातें जमा हो जाती हैं यानी अल्लाह का खौफ और अल्लाह की उम्मीद अल्लाह से उम्मीद तो अल्लाह ताला उसे वो आता फरमा देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है और उससे महफूज रखता है जिससे वो डरता है वह तीनों हजरात मस्कूरा बाला हदीस में तीन शख्स के वाकयात में अल्लाह ताला का खौफ उससे उम्मीद और उसकी रदामंदी का हुसूर ही कार फरमा है यानी पूरी रात दूध का प्याला लेकर के पास खड़े रहना और अपनी औलाद और की भूख के बावजूद से से पहले खुद दूध पीने से रुके रहना अपनी महबूबा से मुकम्मल के बावजूद जीना से बचना और तमाम ऊंट गाय बकरियां और खुदाम अपनी हाजत के बावजूद बगैर किसी मुआवजे के पेश कर देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तौफ उससे उम्मीद और उसकी रजामंदी के हसूल के लिए किया गया हमें भी हमेशा यही ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे का हिसाब ख़ाली के कायनात को देना है जो हमारे एक एक पल से वाकिफ है हमें सिर्फ उसी की रजामंदी मतलू होनी चाहिए अल्लाह तबारक वाला वा हम सब को कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने वाला बनाए आज हमने आपके सामने बुखारी और मुस्लिम ने वारी देख हदीस पेश की जिसमें तीन आदमी एक गार के अंदर चले गए थे और उसके बाद एक बड़ी सी पत्थर की चट्टान जो है उस गार के मुंह पर आ गई थी जिसकी वजह से वो उस गार से बाहर नहीं निकल सकते थे चटान जाहिर इतनी बड़ी थी कि ये तीनों आदमी पूरी जिंदगी भी अगर उस चट्टान को हिलाना चाहते तो वो नहीं हिल सकती थी उन तीनों हजरत ने ये तय किया कि हम अपनी जिंदगी का जो सबसे अच्छा नेक अमल है उसको वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे चुनाचे तीनों अशखास ने अपने एक एक नेक अमल का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हुक्म से उस चट्टान को अलग कर दिया जिसकी बदौलत ये तीनों बाहर निकले वसीले की मैंने तीन शक्लें बयान की एक शक्ल ये है कि अल्लाह ताला की सिफात बयान करके अल्लाह ताला से मांगा जाए जैसे कि कुरान करीम की आयत का भी मैंने रेफरेंस दिया दूसरी शकल ये है कि अपने किसी नेक आमल का वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगी जाए ये दोनों वसीले की किस्में ऐसी हैं जिसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है यानी अल्लाह की सिफात बयान करके अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखी जा सकती है दुआएं मांगी जा सकती हैं अपने किसी नेक आमल के वसीले के जरिए से भी दुआएं की जा सकती हैं तीसरी वसीले की किस्म यह है कि हम नबी वसल्लम के वसीले से दुआ मांगे इस परामा का अख्तिलाफ है ने इसके जबाज का और फैसला किया है अपने मसल को मुदल किया है और उसके बाद मैंने आपसे ये बात कही थी कि इसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है जिन हजरा का मौकफ ये है कि नबी पाकसम के वसीले से दुआ मांगी जा सकती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांग लें और जिन हजरत का موقف ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना जायज नहीं वो दुआ ना करें फिर मैंने आपको सामने ये बात भी रखी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है के मांगते अल्लाह ताला ही से हैं बख्शने वाली जात ज़्यादा की है देने वाली जात जल्ला की है नबी पाक या कोई भी नबी या रसूल खुदाई में शरीक नहीं हो सकता है सिर्फ हम नबी के वास्ता देकर इसलिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह के, अल्ला के नबी की वास्ते से दुआ के कबूल होने के चांस बढ़ जाते हैं अब अगर किसी का कोई सवाल हो आज की क्लास के मुतालिक तो मैं इंशाला जवाब देने के लिए हाजिर हूं अगर किसी साहब का कोई सवाल हो आज की क्लास के मुतालिक तो पेश फरमाए मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा बाहिर चूँकि मैंने काफ़ी तफसील से पूरी हदीस और उसके तमाम निकात पर मुकम्मल बहस कर ली है तो बाहिर कोई सवाल नहीं है तो अब हम आज की क्लास को इसी पर ख़त्म करते हैं अल्लाह तबारक वाल हम सब को पुरानो हदीस की रोशनी में अपनी दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو الى